हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम इंग्लिश का आपकी सेकंड वाली बुक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है आप एक मिनट संघर्ष लेसन 4। इससे पहले मैंने लेसन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड भी करा रखे हैं, बट आज लेसन 4 स्टार्ट कर रहे हैं। नाम है इसका द ओल्ड क्लॉक शॉप, तो घड़ी की पुरानी दुकान। अब यहाँ पर बेसिकली चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ वर्ड मीनिंग यहाँ पे रिविजन कर रहे हैं, जो आपकी इस चैप्टर के अंदर आपको हेल्प करेगी। और जब आपको इसके रीड करेंगे तो उसके अंदर आपको ये वर्ड मीनिंग आएगा और आपको चैप्टर को रीड करने में हेल्प करेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले आपके वर्ड मीनिंग है थिक। थिक मीन्स होता है मोटा। जब भी कोई चीज़ मोटी होती है तो हम उसे बोलते हैं थिक। स्नो, अगर यहाँ स्नो फॉल होता है तो बर्फबारी रहती है, पर अगर स्नो यूज हो रहा है तो मतलब स्नो मीन्स होता है बर्फ। ले मीन्स होता है लेटना। एक होता है स्टिल। स्टिल मतलब होता है शांत, जो स्थिर, मतलब जो आप एक ही जगह से हिल नहीं रहा है, स्थिर हम उसे बोलते हैं स्टिल। बर्न मीन्स सबको लगभग पता होगा, इसे बोलते हैं जलना। डीप होता है वो बहरा, जो कहते हैं बहरा होता है हम उसे बोलते हैं डीप। ऑनर मीन्स द मालिक। अब ऑनर कोई चीज़ का, दुकान का मालिक होता है आपका, कुछ भी होता है वहाँ पे हम ऑनर मतलब मालिक रखते हैं। वे मीन्स होता है रास्ता। रश मतलब भीड़ भाड़, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, जैसे आपकी कहीं मार्केट में जाओ तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, तो वहाँ पे हम रश का यूज़ करेंगे। विश आपकी इच्छा होगी, कभी क्या खाने की इच्छा होती है, कभी क्या, तो आप वहाँ पे इच्छा बोलते हैं। सो मीन्स होता है देखना। अप्रोच मीन्स पहुँच, आपके अप्रोच कहाँ तक लग सकते हैं, जैसे किसी के को अपनी अप्रोच लगाता है, किसी की पुलिस रिपोर्टर मेरी पहचान है, किसी बड़े बड़े लोगों की, तो वहाँ पे आपके अप्रोच यूज होता है। अनफ्रेंडली, अब फ्रेंड होता है बेसिकली, अगर हम अन को हटा दें, फ्रेंडली मतलब दोस्त, जो आपका बहुत ज़्यादा दोस्त है, मतलब अनफ्रेंडली मतलब जो आपका दोस्त नहीं है, मतलब जो आपका मित्र नहीं है, अनफ्रेंडली बोलते हैं, अमित्र बोलते हैं। सुख मीन्स होता है हिलाना। अब आता है रेस्टलेस मीन्स बेचैन। बेचैन मतलब कोई इंसान जब बहुत ज़्यादा बेचैन होता है वहाँ पे यूज करते हैं। क्रूर निर्दयी, क्रूर। मॉकिंग मीन्स होता है मजाक करना, जब कोई इंसान मजाक करता है ना वहाँ बोलते हैं मॉकिंग, नकल उतारना। टिक घड़ी की जो सुइयाँ खटखट करती हैं तो हम उसे बोलते हैं टिक। कामली मीन्स शांत से। पॉ ब्रोकर मीन्स साहूकार होता है, तो ये बेसिकली साहूकार पॉ ब्रोकर हो गया। ये लोन है, अगर मैं ईडी हटा दूँ लोन हो जाता है, ईडी लोन हो गया मतलब उधार, बेसिकली लोन का ये उधार होता है। सेम मीन्स होता है शर्मिंदा। और एक होता है वर्थ मीन्स होता है कीमत, किसी चीज़ की कीमत क्या है, उसका कॉस्ट क्या है, उसका प्राइस क्या, हम उसे बोलते हैं वर्थ। होप मीन्स होती है उम्मीद, तो आई होप आप ये वो वर्ड मीनिंग समझ में आ गई होगी। तो आइए आप चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपका आप चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, दी ओल्ड क्लॉक शॉप। चैप्टर नंबर 4 है आप एक विदर्सन का। अब आइए स्टार्ट करते हैं। क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड। क्रिसमस का जो ईव है, मतलब क्रिसमस से एक रात पहले की जो त्यौहार फेस्टिवल होता है, वो आ चुका, अराइव मतलब आ चुका है। एज लास्ट मिनट शॉपर वर गोइंग होम। अब जो अब लास्ट समय है, मतलब दुकान बंद करने का टाइम है, तो जितने भी जो शॉपकीपर हैं, जो दुकानदार हैं, वो दुकान बंद कर रहे हैं और अपने घर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। अ थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर सॉल्ट लेक सिटी ऑफ योर से। तो एक वो बर्फ़ की मोटी परत, मतलब सफ़ेद कलर की जो बर्फ़ होती है, उसकी मोटी परत यूएसए मतलब अमेरिका के ऊपर बिछी पड़ी है। येट द लाइट्स वर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप। मतलब अभी भी जब सारी शॉपें बंद हो गई, सारी की सारी दुकानें बंद हो गई, तो अभी भी एक ओल्ड क्लॉक शॉप की दुकान है, जो पुरानी घड़ी की दुकान है, वो अभी भी जल रही है। एज रे, एक किरण की तरह। इट्स ओल्ड, अब यहाँ पे कैरेक्टर आया रे, एक नाम है यहाँ पे रे, उसका नाम है इट्स ओल्ड, ये बहुत बूढ़ा इंसान है, डीप ओनर है, और क्या नाम है, डीप मीन्स होता है बहरा मालिक है, मतलब एक पुरानी घड़ी की दुकान का मालिक है जो बहरा है। वर्क ऑन अ क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट डे, वो अपने दुकान पर काम कर रहा है और जो घड़ियाँ बेच रहा है, अपने दिन में अपनी घड़ियाँ बेच रहा था, बेसिकली कैसा इंसान है, बहरा इंसान है। हैविंग फिनिश हिज वर्क, अपना काम ख़त्म किया किसने, रे ने अपना काम खत्म किया। रे स्टूड अप एंड वाज ऑन वे टू बैक रूम व्हेन अ कोल्ड रश ऑफ एयर फ्रॉम द फ्रंट डोर हिज बैक ऑफ हिज नेक। बेसिकली अब वो अपना काम फिनिश किया, उठा और अपना मतलब अपने रूम की ओर जाने लग गया, अपना काम बंद करके। कोल्ड रश थी, बहुत ज़्यादा ठंड था, एयर बहुत ठंडी हवा चल रही थी, उसके मतलब जो दरवाजे से टकरा के उसके घर में जो हवा ठंडी हवा आ रही थी उसके नाक में जा रही थी, तो उसे बहुत ठंड लग रही थी। ही टर्न टू मीट आर लास्ट मिनट शॉपर, जैसे वो बंद करने वाला था वो तभी क्या नाम है लास्ट मिनट शॉपर आखिरी मिनट पे, बट हीज ओल्ड वाइज आइज टोल्ड हिम दैट ही वाज नॉट अ शॉपर। तभी क्या नाम है उसकी आंखें, जैसे वो लास्ट मिनट जैसे दुकान बंद कर रहा था, उसके पास एक कस्टमर आया और उसने बोला, उसकी आंखें कैसी थी, बेसिकली वाइज आइज, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान आइज, मतलब बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है, वाइज मीन बुद्धिमान होता है,
आइस थी उसकी बहुत ज़्यादा, टोल्ड हिम डैट ही वाज नॉट अ शॉपर, उसने बताया कि वो शॉपर नहीं है, मकान मतलब यहाँ पर शॉपर नहीं है, दुकानदार नहीं है। ही सॉ टू मैन, वन इज 20s, द अदर क्लोजर टू 50s। इसने देखा कि दो इंसान थे, एक 20 साल का, एक जिसकी एज होगी 20, 20 साल का, और एक अदर जो सा होगा वो 50 से 50 मतलब 50 साल के आसपास होगा। द यंग मैन रिमेन एट द डोर, जो यंग था मतलब जो 20 साल का आदमी था वो डोर पर खड़ा, दरवाजे पर खड़ा था। द ओल्डर मैन अप्रोच द काउंटर विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस ऑन ही जाए, तो ओल्डर जो बूढ़ा आदमी था वो दरवाजा अंदर आया और अपनी अप्रोच मतलब पहुँच लगाई दुकान के अंदर आने के लिए, और उसके अंदर आँखों में कोई भी फ्रेंडलीनेस नहीं था, मतलब उसके आँख में कोई दोस्ताना नहीं था, मतलब दोस्त नहीं था उसकी आँखों में, जब वो देख रहा था उसकी आँखों से लग नहीं रहा कि कोई दोस्त है ये। रे जो दुकान का मालिक था, रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्लोइंग फियर, वो अपना क्या नाम है रे था, वो अपने समर्थ नहीं रहा, एबल टू हाइड हिज ग्लोइंग फियर मतलब अपने चमकदार जो ग्लोइंग फियर जो उसका चमकदार जो डर था उसे छुपाने में समर्थ था। एज ही स्लोली पुश आर नोट पैड एंड पेंसिल अक्रॉस द काउंटर, उसने जैसे उसके पास वो बूढ़ा जो 50 साल का आदमी था, जो बूढ़ा आदमी था, जैसे उसके काउंटर पे आके खड़ा हुआ, तो रे ने जो दुकान का मालिक था उसने अपना नोट पैड आगे कर दिया, क्योंकि बेसिकली वो क्या बहरा था तो सुन तो पाता नहीं था, तो जो भी उनको खरीदना था वो बेसिकली नोट पैड पे लिखते थे, तो उसे पढ़ के उन्हें सामान देता था। ही स्माइल एट द अनफ्रेंडली फेस, उसने जिसके सामने दिया उसने अपने अनफ्रेंडली फेस मतलब बिल्कुल दोस्ताना, जैसे अनफ्रेंडली मतलब दोस्त होता है और अनफ्रेंडली मतलब जो दोस्त नहीं होता, बिल्कुल दोस्ताना नहीं था वो, ऐसे उसने स्माइल की जैसे उसका दोस्ती नहीं है। देन ही पॉइंटेड टू हिज ईयर एंड शुक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, अब यहाँ पे शुक मीन्स हिलाया, उसने अपना फेस साइड टू साइड दोनों साइड हिलाया अपना फेस दोनों साइड, अब घड़ियों की दुकान थे तो आगे पीछे अपनी घड़ियों को देख रहा था। अ क्विक लुक ऑफ सरप्राइज, उसने बहुत जल्दी से अपनी देखा और सरप्राइज बहुत आश्चर्यचकित हुआ। चेन द मैन फेस एज अ स्टडी द नोट पेड, और जैसे ही वो क्या नाम है स्माइल करते हुए उसने नोट पेड देखा तो आश्चर्यचकित हो गया। देन टर्न द सेट समथिंग टू हिज फ्रेंड, और उसने फिर अपने फ्रेंड को कुछ कहा। रे यूज टू चेन टू क्लोजली द मेन पेइंग अटेंशन टू शेप ऑफ गन एंड रेस्टलेस हैंड द मेन राइट कोट पिक पॉकेट, अब बेसिकली क्या था यहाँ पे जो उस आदमी ने रे उनको देख रहा था, उनको बहुत ज़्यादा अटेंशन मतलब उनको बहुत ध्यान से देख रहा था रे, और वो देख रहा था उनकी मूवमेंट देख रहा था, उनकी वो क्या क्या कर रहे हैं उनको देख रहा था, बिना आराम लिए मतलब रेस्ट लेता बिना आराम लिए उनको जो मेन था राइट कोट पॉकेट में था गन, मेन्स ऑफ अ गन एंड अ रेस्टलेस हैंड मतलब रेस्ट ले, उसके हाथ में बिल्कुल अशांति वाली कोई चीज़ नहीं था, वो अपने पॉकेट में हाथ डाले खड़ा था। एंगर बोल्ड विद इन हिम, बहुत ज़्यादा गुस्से में था, बट इट वॉज कीप डाउन द इनर वॉइस दैट सेड, और उसने मगर तो भी गुस्से होने के बाद बड़े प्यार से उसने बोला ही बी स्टिल शांत हो जाओ। ही रोट द नोट पर, उसने नोट पेड पर लिखा, उसने जो चाहिए उसने नोट पेड पर लिखा, मे आई हेल्प यू, मैं क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक डायरेक्टली एट अ रे ऑफ स्माइल, मतलब उसने बड़े प्यार से बोला, और फर्स्ट टाइम था जो ओल्डर मैन था उसने बड़े ही प्यार से उसकी आंखों में देख के बोला। अ क्रूअल, क्रूअल मतलब बहुत निर्दयी, मॉकिंग जो मजाक उड़ाने वाला, मॉकिंग स्माइल, उसने बड़ी मॉकिंग स्माइल से देखा। दे बोथ अंडरस्टूड व्हाई ही वाज देयर, वो दोनों जान चुके थे वो यहाँ पे क्यों है। व्हाई हिज फ्रेंड रिमेन एट द डोर, उसका दोस्त बाहर दरवाजे पे क्यों था। दे लुक लाइक मैन हु वर डाउन ऑन द लक वर नो रेडी टू ट्राई समथिंग दे वुड लेटर टू सॉरी अबाउट इट, है ना, तो उसने बाकी ये सब समझ चुका था, बाकी ये सब मामला मतलब उसके उसका दोस्त बाहर क्यों है ये सब सब समझ चुका था। द क्लॉक टिक्ड ऑन, क्लॉक तभी अचानक जो क्लॉक की खटखट दोबारा हुई टिक्ड हुई। रे कामली रोट अनदर मैसेज, जो रे था उसने बड़े शांति से दूसरा मैसेज लिखा नोट पैड पे। हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच, क्या आप यहाँ पे कुछ क्लॉक खरीदने या घड़ी खरीदने आए हैं। देन ही पॉइंटेड टू लॉन बोर्ड फिल्ड द हैंगिंग क्लॉक, तभी उसने क्या एक लॉन बोर्ड पर जो दीवार पर दिखाते हुए जो हैंगिंग क्लॉक थी दीवार पर जो टंकी थी उसके ओर इशारा किया। पॉकेट वॉचर ही पॉकेट वॉचर्स वॉचेस, उसने जो पॉकेट में रखने वाली वॉच होती है उसके पास आई। ही वॉज नॉट अ पर ब्रोकर, उसने बताया कि ये शाहूकार नहीं है, बट एट द सेम टाइम कुडंट से नो टू नीडी पीपल हु प्लेस देयर ओल्ड वॉच और क्लॉक बिफोर हिम एनीथिंग दे कुड। ही लोन मोर देन ही शुड, उसने बहुत ज़्यादा उधार लिया जितना वो ले सकता है। देन दे वुड बी देयर मैन द ओनर वॉन्टेड हिम बैक, मतलब जो ओनर था मालिक से उसे दोबारा चाहता था। एट द सेम प्राइस ही हैड पेड विद द नो इंटरेस्ट, और उसने दो मतलब उसी प्राइस पर वापस लेना चाहता था जिस पर वो इंटरेस्ट नहीं लेना चाहता था। देन द ओल्ड मैन सीम्ड टू फील अ लिटल इजियर,
मतलब जो महसूस प्रतीत हुआ, महसूस हुआ कि वो बहुत ज़्यादा फील मतलब हल्का महसूस कर रहा है, टुक आउट हिज हैंड फ्रॉम द पॉकेट, उसने अपना अपना हैंड पॉकेट से निकाला एंड क्विकली लुक एट द वॉच हिज रिस्ट, और अपनी अपनी हाथों की ओर देखने लग गया। हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, अब ओल्ड शॉप की दुकान थी, अपनी दुकान बेचने के लिए आया, अपनी दुकान पे क्या नाम बेसिकली दुकान थी, अपनी अपनी घड़ी बेचने के लिए आया था बेसिकली यहाँ पे। देन ही मैन रोट द रे नोटिस अ लिटल शेम इन द ग्रे आइज लुकिंग हिम, उसे रे मतलब उसे शर्मिंदा महसूस हुआ उसकी आंखों पे देख के। द वॉच वर नथिंग स्पेशल, जो उसकी वॉच थी बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं थी, एंड येट ही ग्रेट पावर, बट उसकी पावर बहुत अच्छी थी। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज, मतलब जो वो कुछ एक्सचेंज करना चाहता था, ए वे आउट ऑफ बैड सिचुएशन, अपनी जो उसकी खराब व्यवस्था से बाहर निकलना चाहता था। नोइंग द ग्रेट नीड द बोर्ड ब्रॉट द मैन टू हिज शॉप इन द फर्स्ट प्लेस, रे आर्ट हाउ मच डू यू नीड फॉर इट, मतलब उसने बोले जो बाहर से जो इंसान आए थे, मतलब जो दो लोग आए थे, उसने अपने पॉकेट में से घड़ी निकाली और बोला कि, फिर रे ने बोला कि आपको इसकी आपको कितने पैसों की जरूरत है। द रिप्लाई कैम बैक ऑन द नोट पैड, वट एवर इट वर्थ, इसकी कितनी भी कीमत हो उसमें मुझे पैसे दे दीजिए। रे रीच इन टू द कैश बॉक्स, जो रे था वो कैश बॉक्स के मतलब जहाँ उसका पैसा रखा था वहाँ पे गया, पुल्ड आउट द $50 नोट, उसने अपने $50 का नोट बाहर निकाला एंड पास इट इन टू मेन हैंड, और उसे आदमी के हाथ में दे दिया। एज दे शुक हैंड, उसने अपने हाथ में उठाया, हिलाते हुए अपने हाथ को हिलाया, रे लुक इन टू द मेन आईज, और रे ने उसकी आँखों उस आदमी की आँखों में देखा। दे सीम टू से, वो कुछ कहना चाहती थी, थैंक धन्यवाद, यू दे बोथ न्यू टू दे बोथ न्यू द वॉच वॉजेंट वर्थ दैट मच, मतलब जितनी उसने रे ने जितनी घड़ी की कीमत दी थी उतनी ज़्यादा उस घड़ी की कीमत नहीं थी। बिफोर टर्निंग टू लिव, मतलब जगह मतलब जब भी वो बेसिकली आप यह बोल सकते बिफोर टर्निंग टू लिव, जैसे वो मुड़ना चाहते थे जगह छोड़ के जाना चाहते थे, द मेन रोड आदमी ने लिखा, आई विल बी बैक टू पिक अप द सून एज कैन आई, मैरी क्रिसमस, और उसने आजाद बोला मैं जितना जल्दी हो सके वापस आऊँगा इस घड़ी को लेने के लिए। द लिटल स्टोरी एंड ऑन द हाफ आवर, ये लिटल जो छोटी जितनी भी कहा तो नहीं बीच आधे घंटे की थी, विद द क्लॉक स्ट्राइकिंग ऑन टुगेदर, तभी क्लॉक जो क्लॉक की घड़ी थी दोबारा आपस में टकराई। द सम द टाइम पीसिस विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑन द वाइल, कुछ समय के लिए बड़े आराम शांति से बीती, रेंज आउट द टाइम विद सच फीलिंग दैट इवन रे थॉट ही कुड हियर हिम, द स्वीट म्यूजिकल मैसेज वर फिल्ड विद होप, ये छोटा सा मैसेज बहुत ज़्यादा मीठा उम्मीद का मैसेज था। द टाइमलेस मैसेज आप पीस ऑन अर्थ गुड विल टवर्ड ऑल वॉज फेल्ट बाई द थ्री मैन हु स्टूड इन द ओल्ड क्लॉक, ये पूरा टाइम बहुत ही अच्छा भी था ये पुरानी घड़ी की दुकान में। तो आपका ये चैप्टर नंबर 4 था जो आपका यहाँ ख़त्म हुआ, तो ये चैप्टर नंबर 4 आपका ख़त्म होता हुआ।